बीती देर रात बटाला के नजदीक गांव शाहबाद में शराब के ठेके पर चोरी होने की वारदात सामने आई है। वहीं शराब के ठेकेदार का कहना है कि कल वह शाम को ठेका बंद करके गया था। जब वह सुबह ठेका खोलने के लिए पहुंचा तो देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ था और ठेके में जब अंदर देखा तो बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां गायब थी। वहां शराब के ठेके में काम करने वाले तेजेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह जांच करने पर पता चला कि करीब 15 पेटी शराब की चोरी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन्वर्टर और दूसरा सामान भी चोर लेकर फरार हो गए हैं। इधर इस मामले में ठेकेदार की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई है। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी रिशपाल सिंह ने बताया कि उनकी तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं जितेंद्र सिंह फ्लैंग इंचार्ज इतने शाहबाद इंपीरियल कैसल आया ठेका चोरी हो गया जी। आए लॉकडाउन वेले साड़ी अगे सेलां नहीं उतरिया, इन्ना मंदी का दौर चल रहा, ठेकेदारों बहुत घाटा पै रहा। उधरों साडे ठेके पहले मलकपुर लुटिया गया जी, उधरों साडी 2-2.5 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है। तो हुण वेखो जी आप इंपीरियल कैसल आए, इतने भी 2-2.5 लाख रुपए की चोरी हो चुकी है। अही मंदी के दौर चो साडा ठेकेदार इन्ने लंघ रहे हैं कि अही आप ही बयान नहीं कर सकते कि करिए। उधरों चोरों ने साडे जीना हराम किया वा, अही सेलां भी इन उठ नहीं रही, प्रवासी मजदूर चले गए भाजी। कि नुकसान होया साडा जी इस वक्त इस ठेके से नुकसान होया जे 1 लाख ते 1.5 लाख का ला लो। 1 लाख ਇਹ ਪੇਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਈ ਜੀ। ਇਨਵੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਇਨਵੇਟਰ ਚਲ ਗਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਖਾਨੇ ਤੋੜ ਗਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ। ਉੱਧਰ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਵੇਟਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਹੁਣ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ जसविंदर बेदी की रिपोर्ट। इस चैनल पर चल रहे मुद्दों पर अपने विचार देने के लिए कमेंट करें और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।